नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव इस वक्त नजदीक आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी तापमान हाई हो चुका है। लगातार हर जो दल है वो पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं और जनता को लुभाने की तरह तरह से तैयारियां की जा रही है। कहीं विकास की सौगातें दी जा रही है तो कहीं पार्टियां जनता के सामने वादे और दावे लेकर पहुंच रही है। और इसी बीच यूपी की जनता का क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ मानना है उत्तर प्रदेश की जनता का, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम निकल पड़ी है और ग्राउंड जीरो से सीधे तफ्तीश करके आप तक खास रिपोर्ट लेकर आई है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता भी निकले हुए हैं जहां पर जनता से बातचीत करके क्या कुछ माहौल है और जनता का क्या कुछ मानना है आगामी चुनाव को लेकर, इन सब पर जानकारी ली जा रही है। तो देखिए प्राइम टीवी की ये खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद है सिकंदरपुर विधानसभा, बलिया में 7 विधानसभाएं हैं और सिकंदरपुर विधानसभा में इस समय हम जानना चाहते हैं कि जनता का मूड क्या है। यह गुलाब की नगरी कही जाएगी जहां तक इसमें नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का घर भी है और इसे सपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन 2017 में यहाँ से बीजेपी के विधायक संजय यादव चुने गए। यहाँ से 2 बार विधायक और 1 बार मंत्री रह चुके हैं मोहम्मद रिजवी। अब यहाँ से ये जानना चाहते हैं कि जनता का मूड क्या है, 2022 में परिवर्तन होगा या फिर से योगी सरकार आएगी। 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, किसकी सरकार बनेगी भाई? इसके बारे में तो मैं निश्चित रूप से ये नहीं कर सकता, लेकिन जन चेतना जो है बेरोजगारी महंगाई से जितना लोग त्रस्त हैं, लोग जो है सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। मेरा अपना अनुमान है जो मैंने सर्वे किया है आम लोगों से, क्योंकि मैं जो है मिडिल क्लास का आदमी हूँ, बसों में टेम्पो में जर्नी करता हूँ, लोगों का जो ओपिनियन लिया है मैंने, तो उससे मुझको ये लगा है कि लोग जो है चेंजिंग चाहते हैं, ये सब परिवर्तन चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। इसलिए कि लोग बेरोजगारी से और महंगाई से और जो है डीजल और पेट्रोल के दामों से जो है लोग त्रस्त हैं। इसलिए कि एक बात यह है कि जो भी डाटा रिकॉर्ड बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में 2% बेरोजगारी थी और इनकी सरकार में 22% बेरोजगारी हो गई है और ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो है ना तो नई वैकेंसीज आ रही हैं ना क्लियर कट जो है। अब इलेक्शन आए हैं तो ये वैकेंसी निकाल रहे हैं लेकिन ये वैकेंसी जो है क्लियर नहीं होंगी। और जो भी हमने ये देखा है कि जो लोग प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांगों को लेकर के जो छात्र गए हैं उनको जो है मारा पीटा भी गया है, इस तरह की भी न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिली है। तो आपको लगता है कि परिवर्तन होगा, योगी सरकार दोबारा नहीं आएगी? देखिए मैं तो जहाँ तक ये सोच रहा हूँ कि अगर लोग जो है मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे तो योगी सरकार को चले जाना है, और अगर जो है धार्मिक उन्माद और कट्टरवाद की तरफ रहेंगे तो लोग जो है मैं इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कर सकता है। इसलिए कि भाई धर्म एक ऐसा मुद्दा हो गया है कि कुछ लोगों को मैंने यह भी कहते सुना है कि साहब 200 रुपये पेट्रोल भी हो जाएगा तो भी हम भाजपा को ही वोट देंगे, लेकिन आम तौर पर मैं देख रहा हूं कि जो गरीब तबका है मिडिल क्लास का है ये जो है परिवर्तन चाहता है। अब मिडिल क्लास का ही जो है रोल सत्ता परिवर्तन में बहुत बड़ा होता है। योगी सरकार के जो फ्री के राशन दिए जा रहे हैं इसमें कह रहे हैं गरीब तबके को बहुत फायदा मिल रहा है, इसमें क्या कहेंगे? क्या ये राशन तो आज नहीं, ये तो हर सरकार में राशन मिला है, लेकिन ये फ्री जो राशन दिया जा रहा है ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। जो है गरीब जनता जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो मुद्दों को नहीं देख रही है, वो जो है इससे थोड़ा सा प्रभावित तो हुई है हाँ, लेकिन इलेक्शन आते आते देखिए जो है उनका विचार क्या होता है, यह जो है पार्टियों के अपने जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि पार्टियां किस तरह से अपना कंपेन चलाती हैं और किस तरह से लोगों को मोटिवेट करती हैं और कैसे लोगों को आंकड़े समझा करके अपनी ओर जो है वो करती हैं। इसको हम तो 2022 में 2017 में भी वोट किए थे, 2022 में भी करेंगे, 2017 से पहले भी देखे थे माहौल, उस माहौल के हिसाब से 2022 में हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। परिवर्तन होगा या बीजेपी फिर से सरकार? हमको तो लग रहा है कि परिवर्तन होगा, कुछ जहाँ की तहाँ की सीटें कुछ डिस्काउंट हो सकती है, मतलब वहाँ पे बीजेपी हार सकती है लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी। आप
युवा हैं, युवा के क्या क्या काम किए बीजेपी ने? युवा बीजेपी के तो मेन खास मुद्दे रहते हैं कि भाई रोजगार मिले युवाओं के लिए, जो मुद्दा मेन है कि रोजगार मिले और दो चार ऐसा काम हो कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले, जो सब कुछ काम होना चाहिए। इस समय महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर क्या कहेंगे? महंगाई तो है, कुछ ज़्यादा ही महंगाई है, ऐसा बात नहीं है कि महंगाई नहीं है, महंगाई है। महंगाई को लेकर सरकार सोच रही है, जो भी काम होगा अच्छा ही होगा। सोचना चाहिए थोड़ा महंगाई के लिए, महंगाई को लेकर सरकार को सोचना भी चाहिए। महंगाई है, महंगाई और किसको वोट करेंगे 2022 में? योगी सरकार को आप राम मंदिर बनवाई है तो कौन कौन से कार्य बीजेपी ने बहुत अच्छा किया? बीजेपी ने बहुत कार्य किया है, राम मंदिर। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से कोई असर नहीं पड़ेगा बलिया? क्योंकि बलिया से पूर्वांचल एक्सप्रेस अटूटा रहा है, क्या इससे कोई असर नहीं पड़ेगा 2022 में बीजेपी को? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि असर नहीं पड़ेगा। 2022 तक में बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद हमको तो लगता है कि बलिया तक पूरा टच हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूरा बलिया से होते हुए गाजीपुर होते हुए ये लखनऊ तक जाएगी, उस पर असर नहीं पड़ेगा। तभी भी हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, योगी जी को चुनते हैं और मोदी जी को चुनते हैं, उनके बदौलत सारे विधायक सांसद बनते हैं। ये क्षेत्र में काम करना चाहिए इन लोगों को। किस किस सरकार बनेगी 2022 बीजेपी की? 2022 में किस सरकार बनेगी? विधायक ये रहेंगे तो 2022 में किस किस सरकार बनेगी? मोदी जी को देंगे और योगी जी को। अच्छा, योगी जी को। योगी जी काम बहुत बहुत अच्छा था। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार गुप्ता नाम है। ये बताइए दीपक जी, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और फिर से योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करके, और क्या उनकी 2022 में सरकार आएगी या परिवर्तन? 2022 में तो बिल्कुल सरकार नहीं आएगी और अखिलेश जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। कोरोना के नाम पे इन्होंने जो भारी लूट किया है उसका जनता इनको पूरा जवाब देगी। और जितना यहाँ विकास का कार्य आप देख रहे हैं, सारी सपा गवर्नमेंट में हुई, यहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखा गया है भाजपा की सरकार में। सारे झूठे दावे इनको हैं और कुछ नहीं। पीपा का पुल से लेके मेन पुल जो बन रहा है, सब रिजवी साहब यहाँ पूर्व मंत्री जो हैं, उनका काम सारे विकास के कार्य उनके। एक चीज़ ये बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है योगी सरकार, यहाँ यहाँ महिलाओं के कितना सुरक्षित है? महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और ना पुरुष सुरक्षित है यहाँ पे, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। जितना इनका दावा है सब झूठा है। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अछूता रहा है, इससे असर पड़ेगा क्या? भारी नाराजगी है यहाँ के लोगों में। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो यहाँ पे बलिया के लोगों के साथ जो किया गया है उससे बहुत भारी नाराजगी है। क्या 2022 में इसका असर दिखेगा क्या? बहुत ज़्यादा असर दिखेगा। यहाँ सात विधानसभा क्षेत्र में 21 सीट इनकी भाजपा सरकार की नहीं जीत पाएगी, ये हमारा दावा। 2022 में चाचा जी किसको जितवाएंगे आप? हम अखिलेश जी को बुला रहे हैं। अखिलेश जी को बुला रहे हैं, क्यों भाई? हम लोग उनका साथ रह चुके हैं, इसलिए उनको। आप किस बिरादरी से आते हैं? राजभर बिरादरी से। क्या काम हुआ है सिकंदरपुर जो विकास किया? कोई विकास कोई नहीं किया है, लेकिन हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। अरे योगी सरकार भी कह रही है कि बहुत हम विकास किए हैं। बहुत विकास है तो बहुत लोग को आ गया आवास। इधर किसको आवास है? कौन दिया है? कोई दिया है? मोदी जी दिया है कि योगी जी दिया है? अखिलेश जी दिया है? कौन दिया है? कोई तो नहीं दिया। अच्छा, तो किसको हम मान लें? 2022 में किसको वोट करेंगे आप? हम अखिलेश जी को। ए दादा, आप किसको वोट करेंगे 2022 में? काम उठ बा अरे हम ही अखिलेश का तो हम गई। अच्छा अच्छा, ये से छाट के ना ने गई। अच्छा, आप बिरादरी से छाट के ना जी वैसे वोट देबो अखिलेश जी के?
योगी जी तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर ले बनी मैंने सिकंदरपुर गाड़ी में सब भर हुई सब भर जाए और जितना हुई सब गए। आइए जानते हैं 2022 में क्या राय है, किसको इस बार जनता चुनेगी। क्या नाम है आपका? भीष्म यादव। ये बताइए 2022 का चुनाव नज़दीक है, हर पार्टी यह दावा कर रही है, बलिया में ये सिकंदरपुर विधानसभा है, यहाँ क्या मूड है, आप किसको जिता रहे हैं? इस समय सारी परिस्थितियां समाजवादी पार्टी के अनुकूल है और जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम 5 साल का रहा बहुत ही खराब रहा और जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार से उब चुकी है और पूरा लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए अपना अपना मुख बना चुके हैं। योगी सरकार तो कह रही है कि बहुत सारा काम किए हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इतने दावे कर रहे हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी योगी सरकार झूठ का स्पेशलिस्ट है और जितनी बात योगी सरकार अपनी विकास के ढिढोरा पीट रही है वो टोटल गलत है। रही बात पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल बना दिए लेकिन बलिया के लोग उससे कहीं भी लाभान्वित नहीं है और पूर्वांचल से बलिया का कोई फायदा नहीं, वो गाजीपुर तक ही सीमित कर दिए। जब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी थे तो बलिया तक उसको ले आने के लिए उसका प्राकलन बनवाए थे, लेकिन योगी सरकार सौतेला व्यवहार करके बलिया से पूर्वांचल को वंचित कर दिया है। इससे बलिया के लोगों में काफ़ी रोष है। योगी सरकार का दावा कि यहाँ से गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, सर के क्या है आगे? कुछ नहीं, कहीं मुक्त नहीं हुआ है, सिर्फ कागज़ पर योगी सरकार मुक्त कर दी है गड्ढा सड़कों की, कहीं इसका काम धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। इस सिकंदरपुर को गुलाब को नगरी कहा जाता था और इस मतलब कहीं ना कहीं ये गुलाब की नगरी विलुप्त होती जा रही है, इसमें किसकी दोष? इसमें समय और परिस्थिति का दोष है, किसी के व्यक्ति का दोष नहीं है। जमाना बढ़ता गया, उसमें आमदनी का स्रोत घटता गया और उस काम को लोग समेटते गए और इसलिए आज के डेट में जो फूलों की नगरी सिकंदरपुर कहा जाता था बहुत ही कम सीमित जगह पर रह करके सीमित। 2022 में चुनाव किसको आप वोट करेंगे? यहाँ के लोग ने जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया उससे बलिया को काट दिया गया, इससे काफ़ी यहाँ के लोग आक्रोशित हैं और यहाँ का सारा मतलब मत सपा को जाए। क्यों सपा ने क्या किया है यहाँ से? सपा की यहाँ जो भी सिकंदरपुर विधानसभा की जो भी सड़कें हैं, जो मतलब स्टेट लेवल की सड़कें हैं, सब सपा की सरकार में बने, प्लस ये पुल बनवाया दरौली खरीदपुर इन्हीं के देन, भाजपा सरकार का कोई भी काम इस विधानसभा में नहीं दिखाई देता। बलिया के सिकंदरपुर में मैंने कई जगहों पे जनता का मूड खखोला, कहीं ना कहीं इस बात से नाराजगी है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया को अछूता रखा गया, सड़क भी और महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है जिससे आने वाला 2022 में बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है। बहरहाल 2022 में क्या होगा, कैमरामैन इमरान के साथ अखिलेश बलिया। नमस्कार, मैं हूं आलोक मिश्रा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस समय आज मौजूद हैं झांसी जिले के चिरगांव ब्लॉक में। हम जानने पहुंचे हैं कि क्या है यूपी के लोगों का मूड, इस बार किसके सर पे सजेगा ताज। सड़कें चमचमाने लगी हैं, लाल बत्ती नीली बत्ती की गाड़ियां हनन आने लगी हैं, देखने वाली बात होगी कि किसके सर पे सजेगा यूपी का ताज। अगर ये बात जाननी हो तो सबसे बेहतर कौन बता पाएगा? ये बता पाएंगे यूपी के लोग, हमारे और आपके बीच के लोग। हमारे संग ऐसे ही मौजूद हैं हमारे साथ जो बताएंगे कि इस बार किसके सर सजेगा ताज। तो इस बार किसकी सरकार? सरकार से मतलब नहीं है हमको, हमको ये है नहीं स्पष्ट हुआ, हमको ये है कि समय मालूम किसान विरोधी सरकार है ये जी। हाँ तो बीजेपी किसान विरोधी है? हाँ किसान विरोधी है। तो भैया उनने तो तीनों कानून वापस ले लिए कल। अरे कानून वापस तो लिए हैं लेकिन अगर कानून वापस मुँह से कह दी क्या उनने कोई लिखित में थोड़ी होगा? प्रधानमंत्री ने मुँह से कहा ये क्या कम है? नहीं नहीं मुँह से कहना और लिखित बात एक अलग है। अच्छा लिखित तो ले लेंगे आने वाले सत्र में, जैसे सत्र लगेगा उसमें वो कह रहे हैं वापस ले लेंगे। खाद के लिए परेशान है, हर चीज पे महंगाई बढ़ गई, क्या है ये? तो अब आप किसको जिताओगे, इस बार किसकी सरकार बनाओगे? सरकार बात की देखी जाएगी लेकिन पहले तो भैया वोट तो दोगे ना, वोट देंगे सरकार।
अच्छी कौन सी लगती है? अभी वोट का समय थोड़ी है देने का। क्यों, चुनाव तो बिल्कुल आ चुके हैं, नजदीक है, आने का भी टाइम है उसमें। क्या कितना टाइम है? हमारी मार्च में होगा। तो वोट, अरे दो तीन महीने बचे हैं, तो कम से कम सरकार तो बनाने की बात। अभी सरकार नहीं है, किसान विरोधी सरकार, हम ये कहते हैं किसान विरोधी सरकार। अच्छा, किसान विरोधी सरकार है। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। अच्छा, गुलाब सिंह, ये किसान विरोधी सरकार है। आइए, हम और लोगों से जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा भाई सा नाम है, मैं कट्टर बीएसपी का हूँ, रघुराज मेरा नाम है। अच्छा, तो इस बार मैं सपा में वोट दूंगा। क्यों, क्या नाम है आपका? मेरा सर नाम है रघुराज अहरवार। तो इस बार किसको वोट दोगे? इस बार मैं हूँ तो बीएसपी का, लेकिन मैं अब की बार सपा को दिया, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। क्यों भाई? अरे वो उससे बहुत लाभ होती है। क्या क्या लाभ? जब वो बने थे ना तो कम 1,00,000 का कर्ज माफ हुआ था, कोई ना खाद की दिक्कत आई थी, ना बीज की दिक्कत आई थी, ना डीजल की दिक्कत आई, कोई भी नहीं आई थी। दीदी माफ नहीं करती? दीदी माफ नहीं करती, दीदी बिरादरी को भी नहीं देखती है, दीदी को भी नहीं देंगे। तो दीदी से शिकायत क्या है? दीदी से शिकायत है कि दीदी को अभी 5 साल और घट्टे खाने, तो इसके बाद अभी सपा बनानेंगे। अच्छा, अभी और किसानों को परेशान होंगे? हाँ, किसान को और परेशान। अभी सपा आ जाएगी, इसके बाद जो है सपा किसानों को खुशहाल करेगी। तो बीजेपी से क्या बुराई है? अरे देखो तो अभी हाल उन्होंने जो 3 तलाक अभी ली है। 3 तलाक? 3 तलाक ले के काय की ले रही? 3 तलाक नहीं, 3 कानून, कृषि कानून। 3 कानून साहब, अभी चुनाव आने लगा तो अभी ले ले, 1 साल पहले ले ले। आप कह रहे हो कि चुनाव के चक्कर में वापस ले लिए? क्या हुआ है? नहीं तो इतने कम से लाखों किसान मर गए होंगे, इनका क्या होगा? 5-5 लाख रुपया दे दो, किसान थोड़ी वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये क्या था ये? पता नहीं, इतने पढ़े लिखे तो हम तो अनाड़ी आदमी है, मजदूरी करते हैं। तुमको क्या लगता है ये वापस लेने से तुमको फायदा हुआ? मैंने फायदा कुछ नहीं हुआ है, अब तो उनको फायदा होगा जो आदमी नहीं जानेंगे। क्या वो हमको वोट मिल जाएंगे? उन्होंने 3 कानून ले लिए वापस। तो अभी अच्छा ये बताओ, ये लगता का है कि किसकी सरकार बन जाएगी? इस बार सरकार बने ना बने, सरकार अखिलेश की ही बनना है इस बार। मतलब सपा की सरकार आनी आनी है? आनी आनी है। मतलब भैया नाम क्या बताया? रघुराज, रघुराज जी का दावा है कि इस बार सपा बिल्कुल झंडे गाड़ के रहेगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरे तो अगर रखो तो। अरे अरे बताओ तो दो, क्या दिक्कत है? हाँ, ब्रजवान पाल। अच्छा जी, तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार सपा की। सपा की बनेगी? नाम क्या? यादव जी? नहीं, पाल है। अच्छा, पाल साहब। तो सपा की क्या बनेगी? सपा की क्यों बनेगी? क्यों बनेगी? कई प्रकार है वहाँ, कई कमी है। क्या क्या है इसकी? फायदा देखो ना, तो इसमें समय से बीमार हो किसानों को, ठीक है, ठीक है, और फसल नष्ट हो जाती है तो अब है, आपके पास भी आ रहे हैं, एक एक दो दो महीना 1,000-1,500 डाल ला जा रहा है। और यदि अखिलेश जी की सरकार होती तो 20-25 हजार मिल, तो यदि नुकसान हो तो किसानों अच्छा किसानों के खाते में सुविधा किसान में भूखे प्यासे रोज कमाए, हफ्ता के लगे खाते नहीं मिल लो। किसानों के खाते में पैसे सपा सरकार में ज्यादा आते थे, बीजेपी में कम आते थे, इसलिए आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे और सपा को दोगे? जब जनता को कुछ लाभ नहीं हुए तो किसान तो वही अंदर। लेकिन बीजेपी के राज्य में पूरा कोरोना के 2 साल रहे, तो आपको खाने की समस्या तो बिल्कुल भी नहीं हुई? फ्री खाने का मतलब खाने पीने से कहो तो लेकर जो कर्जा वर्जा दुनिया में, कर्जा माफी नहीं हुई तो यही दिक्कत है। बेईमान लोगों के हो जाते हैं, ईमानदार के कभी नहीं होगा। अच्छा, ये क्या चुन चुन के करते हैं बीजेपी वाले के? ये इनका करना इनका है, हमारी तो समझ नहीं आती। अच्छा, समझ नहीं आती? हाँ ठीक। अच्छा अच्छा, चलो आपकी तो समझ में नहीं आती। भैया, क्या नाम है आपका? कप्तान राजा। कप्तान राजा, क्या है इस बार किसके यूपी में, क्या है यूपी का मूड? यूपी का मूड ये है कि सपा सरकार आएगी इस बार। तो भैया, क्या सब सपाई वाले खड़े गए? सपा वाले खड़े हैं इस बार, खड़े तो सपा वाले जो भी हैं, बीजेपी वाले जो भी हैं, लेकिन इस बार सपा सरकार आएगी। सपा? अच्छा, सपा क्यों आएगी? सपा इसलिए आएगी क्योंकि किसानों को बहुत ही है कि कई प्रकार की समस्या हल होती है सपा से। अच्छा, सपा से कई समस्याएं हल होती हैं और बीजेपी के राज्य में नहीं होती हैं। अच्छा, बीजेपी से और कोई समस्या? बीजेपी से और कोई समस्या नहीं, बदनाम करें केवल। जी जी, सपा को तो फालतू के जो छोटे लोग हैं तो वे बदनाम किए हैं सपा सरकार को, लेकिन सपा सरकार बदनाम नहीं है उसी ये समझते लोग। सपा को कैसे बदनाम किए? जो छोटे लोग रहते हैं, जैसे कोई है तो सपा सरकार, अखिलेश यादव नहीं है, छोटे कैसे ये यादव और यादव हैं जैसे, तो वे हैं तो वे सपा में बदनाम किए हैं कि सरकार भी नहीं की जाती है, तो जो अपने आप में वे बन जाते हैं कि हम खुद बन गए मंत्री जैसे। अच्छा, सपा आने से ये बाकी जो यादव लोग हैं ये दमंग हो जाते हैं? हाँ जी, दमंग हो। तो इसके चक्कर में सपा बदनाम हो जाती है? सपा बदनाम। और बीजेपी? बीजेपी तो अति ये लगे। अच्छा, बीएसपी के लिए क्या है? बीएसपी के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस? कांग्रेस के लिए कुछ नहीं। भैया, आपका क्या नाम है? संतराम पाल। पाल साहब, तो आपकी क्या है मत? हमारी सोच है कि युवा वर्ग है जो थोड़ा ध्यान दिया जाए सरकार का। जी, हमारी यही सोच रहती है कि जो गांव का विकास हो और जो युवा वर्ग है वो अपना नया करियर। आपको क्या लगता है कि किसके सर पे सजेगा यूपी का ताज?
इसमें अभी तो वर्तमान में नॉर्मल चल रहा है, ताज अभी क्लियर नहीं है। भैया अखिलेश भैया भी चल रहे हैं और बीजेपी भी चल रही है। बीजेपी की तो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, मोदी जी अभी झांसी आए थे, तो आपको नहीं लगता कि रैलियों से प्रभाव पड़ेगा? रैलियों से प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो जनता के पास जो योजनाएं गई हैं, यदि जनता के पास योजनाएं नहीं पहुँची हैं तो कैसे हो पाएगा काम? तो भैया ये तो यहाँ पे लगभग सबका जो मत है वो सपा की तरफ ज़्यादा केंद्रित हो रहा है कि सपा को आने की संभावना है। अब चुनाव नज़दीक हैं, 2-3 महीने का वक्त बाकी है, अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव के नतीजे क्या लेके आते हैं, तब पता चलेगा कि किसकी सरकार है। आलोक मिश्रा, झांसी, शाहरुख कैमरामैन के साथ।